नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय जेल रीवा में है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था। कैदी छूटकर आते हैं और लगाते हैं फर्जी आरोप। रीवा केंद्रीय जेल रीवा में इन दिनों चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, लेकिन जिन कैदियों को मनमानी नहीं करने दिया जाता है वो बाहर आकर फर्जी आरोप लगाते हैं। यह बात जेल में बंद कैदी ने अपने अपने परिजनों को बताते हैं। सूत्रों की माने तो अभी हाल ही में एक कैदी छूट कर आया है जो जेल में बंद रहते समय मनमानी करता था और बाहर निकलने पर देख लेने की जेल प्रशासन को धमकी भी दे चुका है। उल्लेखनीय है कि जेल में सजा काट रहे कैदियों को अभी हाल ही में प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें छूटने के बाद वह अपना निजी व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। जेल में ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इन कैदियों की मनमानी को जेल प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने और समझाइश देने का काम किया है। आखिर यह आरोप लगाकर जेल प्रशासन को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जेल में शासन जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है उसके तहत पूरी व्यवस्था को हम लोग चाक चौबंद और सुरक्षित बनाए हुए हैं। यहाँ से जो भी कोई अपराधी छूट के जाता है तो जेल के बारे में जो भी दुष्प्रचार कर रहा है तो पूर्णतः निराधार, असत्य और तथ्यहीन है। जेल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। जेल में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था निर्मित नहीं है। हमारे जेल में प्रत्येक माह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 4 बार विजिट होता है, वो जिला प्रशासन के अधिकारियों को विजिट होता है, जेल मुख्यालय के अधिकारियों को विजिट होता है, लगातार विजिट होता रहता है। किसी भी कैदी को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या रहती है तो जेल में रहने के दौरान हमसे वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, न्यायिक अधिकारी आते हैं, तो उनको अपनी समस्या बताना चाहिए। यहाँ से छूटने के बाद वो संस्था के बारे में अनैतिक बातें करता है, अनर्गल बातें करता है, जेल का दुष्प्रचार करता है, संस्था की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, तो ये अत्यंत खेदजनक है। ऐसी किसी भी प्रकार की जेल में न तो अव्यवस्था है और न ही इस तरह का कोई किसी भी प्रकार का अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। ये जो भी व्यक्ति अपराधी जेल से छूट के गए हैं, जेल की संस्था को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।